हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, चंगा, बढ़िया। और क्या हालचाल है, क्या चल रहा है, सब खुशल मंगल? तो देखिए, आज मैं एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनाने जा रही हूँ। ये है आलू पनीर तड़का। चलिए शुरू करते हैं। मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल लिए थे और उसमें मैंने 3 से 4 जो है बड़े आनियंस चॉप करके चॉपर में इस तरह से भून लिए। बस आपको ऐसे गोल्डन कलर होने तक भुनना है और 3 बड़े चम्मच आपको अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है गाइस, एंड 1 टीस्पून सॉल्ट डालिए ताकि जल्दी से प्याज जो है भुन जाए। हम इसीलिए डालते हैं पहले। जब प्याज और अदरक लहसुन अच्छे से भुन जाए तो आपको अभी ये मसाले मिक्स करने हैं। वो है 1 टीस्पून हल्दी, 3 टीस्पून जो है कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 3 टीस्पून कोरिएंडर धनिया पाउडर। इन सब चीज़ों को जल्दी से अच्छे से सॉटे कर लेना है 2 मिनट तक। और करने के बाद जो है हम इसके अंदर ये डालेंगे टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी आप रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं, यानी तो घर में मैंने तो 3 टमाटर बड़े लिए थे, 3-4 हरी मिर्चें ले ली थी और उसको मैंने ये ग्राइंडर में अच्छे से प्यूरी बना ली थी। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है टोमेटो प्यूरी और अच्छे से इसको 2 मिनट तक मैं भूनूंगी। भुनाई अच्छे से करनी है इसकी। तो अब इसके अंदर जो है, जब ऑयल थोड़ा सा छोड़ देगा तो दैट मीन्स अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम इसके अंदर थोड़ी सी डालेंगे कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी जो है आप ऐसे बस एक, मतलब एक मुट्ठी से डाल दीजिए आप ऐसे अंदाजे से, ठीक है? तो इतना जैसे मैंने दिखाया, तो बस इसको अच्छे से भून के आपको जो है पनीर के पीसेस डालने हैं। तो मैंने जो है 200 ग्राम्स पनीर लिया है और 2 से 3 बड़े मीडियम साइज़ के आलू बॉइल्ड लिए हैं गाइस। दोनों को इकट्ठे डालना है और स्प्रिंग ऑनियंस भी डालने हैं, थोड़े से अभी डालेंगे, थोड़े से लास्ट में डालेंगे। तो इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स करके अच्छे से मिक्स करना। देखिए मैं किस तरह से मिक्स कर रही हूँ, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको अगर ऐसे सूखे सूखे खाने हैं गाइस तो ये भी ऑप्शनल है, ये आप ऐसे भी खा सकते हो बिना ग्रेवी के, मतलब ड्राई पूरी के साथ, परांठे के साथ, बहुत बढ़िया दिखेगा और इतना चटपटा मज़ा आएगा आपको खाने में, मज़ा आ जाएगा। तो मैंने इसमें थोड़ा सा, लेकिन मैं हल्की सी ग्रेवी चाहती थी रसमिसी टाइप, तो मैंने एक थोड़ा सा 1 कप पानी डाल लिया, ठीक है? तो पानी डालने के बाद आपको अच्छे से भुनना है। भुनने के बाद आप इसको 5 मिनट ढक के पकाइए, ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि ऑलरेडी बॉइल्ड है सब कुछ। पनीर को भी ज़्यादा पकाने से क्या होता है गाइस, वो पनीर ना हार्ड हो जाता है, ये हमेशा याद रखिए। तो आपको 5 मिनट तक अच्छे से बस ढक के इसको पका लेना है। और अब देखिए 5 मिनट हो गए हैं, तो अब ऐसे रसमिसी टाइप मैंने बनाई है। तो ये इतनी अच्छी आलू पनीर तड़का बोलते हैं इसको, बहुत बढ़िया रेसिपी है गाइस, ये ज़रूर ट्राई कीजिए। ये ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या कहीं भी ऑफिस पिकनिक में भी बना के जाना है, लेके जाना है, आप बना के लेके जा सकते हैं। गार्निश कीजिए आप थोड़े से कोरिएंडर लीव्स के साथ और ये जो स्प्रिंग ऑनियंस होते हैं, हरी प्याज की पत्ती जिसे हम बोलते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलिए, कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। देखिए बढ़िया बढ़िया रेसिपी बिल्कुल रेडी है, चलिए खाते हैं हम साथ एक साथ।